हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स गाइस। तो आज मैं आया हूँ गाइस प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर में, और इस वीडियो में हम देखेंगे गाइस इस कॉलेज का कैंपस टूर। देखते हैं गाइस इस कॉलेज में कौन सी जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है, और इस कॉलेज के जो लैब्स वगैरह गाइस वो कैसे। तो चलिए गाइस जाते हैं कॉलेज के अंदर और देखते हैं गाइस इस कॉलेज का कैंपस कैसा है। स्टार्टिंग में जब हम इस कॉलेज में एंटर करते हैं तो जो कॉलेज है वो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। स्ट्रेट एक रूट है जहाँ से हम अंदर जाएंगे और वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स हमें देखने को मिल जाएंगी। इस साइड पे खाली स्पेस है और यहाँ पे हमें जो इस कॉलेज का ग्राउंड है वो देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड काफ़ी बड़ा है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बट पहले हम स्ट्रेट जाएंगे और देखेंगे कि आगे हमें कौन सी बिल्डिंग्स और कौन से डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो जब हम थोड़ा आगे आते हैं तो सबसे पहले हमें ये जो बिल्डिंग है वो देखने को मिल जाती है, और जैसे हमें बताया गया कि इस बिल्डिंग में अभी फर्स्ट ईयर के जो क्लासेस है वो कंडक्ट किए जाने वाले हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं इस बिल्डिंग को अंदर से, और देखते हैं अंदर से ये जो बिल्डिंग है वो कैसे हमें देखने को मिलती है। तो इस बिल्डिंग का जो एंट्रेंस है वो कुछ ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे साइड में हमें काफ़ी सारे जो ट्रीज़ है वो भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जब हम इस बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो जो बिल्डिंग का अंदर से लुक है वो हमें कुछ ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह जहाँ से आप ऊपर जा सकते हो, और ऊपर का कुछ ऐसा हमें लुक देखने को मिल जाता है। आगे हमें एक वेंडिंग मशीन भी देखने को मिलती है, बट अभी कोरोना है तो उसकी वजह से काफ़ी सारे जो चीज़ है वो बंद पड़ी है। और फिर यहाँ पे हमें इस साइड पे एक और जो रूट है वो देखने को मिल जाता है, और इस रूट से अगर हम अंदर जाते हैं तो हमें इस बिल्डिंग का ओवरऑल पूरा जो लुक है वो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि पूरा जो लुक है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो ये देखिए गाइस इस बिल्डिंग का पूरा लुक, बहुत ही बढ़िया जो लुक है गाइस इस बिल्डिंग का आता है अगर हम इस वाली पोजीशन से इस बिल्डिंग को देखते हैं। तो इस बिल्डिंग से अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें इस कॉलेज का जो स्विमिंग पूल है वो देखने को मिल जाता है। इस कॉलेज का स्विमिंग पूल जो है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी हो सकता है, बट कोरोना की वजह से सारी जो चीज़ें वो बंद है, तो इसके वजह से इसका जो मेंटेनेंस है वो अच्छे से नहीं हुआ, तो कुछ ऐसा लग रहा है। बट जब कॉलेज खुलेगा तो ये जो स्विमिंग पूल है गाइस वो भी हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकल गए एडमिन ब्लॉक की ओर, क्योंकि मेनली जो एडमिशन से रिलेटेड प्रोसेस है वो एडमिन ब्लॉक के अंदर ही होते हैं। पहले हम एडमिन ब्लॉक देख लेते हैं और उसके बाद गाइस मैं आपको सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स इस कॉलेज के वो दिखाता हूँ। जो एडमिन ब्लॉक है गाइस वो मेन गेट से थोड़ा दूर है, तो अगर आप गाड़ी से आते हो तो आपको ट्रैवल करने में काफ़ी इजी होगा। तो ये है गाइस इस कॉलेज का एडमिन ब्लॉक। तो इसी ब्लॉक में गाइस आपको काफ़ी सारे जो ऑफिसेस है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफिस भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस काफ़ी सारे जो एडमिशन से रिलेटेड प्रोसेस है वो भी होती है, और इसी ब्लॉक में आपको इस कॉलेज का जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस ब्लॉक के आगे गाइस आपको काफ़ी बढ़िया जो लॉन है वो देखने को मिल जाएगा, और जो लॉन है गाइस वो काफ़ी मेंटेन्ड है और काफ़ी बढ़िया लगता है। इसी ब्लॉक के आगे गाइस आपको यहाँ पे एक जो प्लेन है वो भी रखा हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस प्लेन की सारी जो डिटेल्स है वो लिखी हुई है, और जो प्लेन है गाइस वो काफ़ी बढ़िया दिखता है, और यहाँ पे आप अपनी जो फ़ोटोज़ वगैरह गाइस वो भी क्लिक कर सकते हो, और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो व्यू है वो भी आता है। एडमिन ब्लॉक के अंदर अगर हम जाते हैं तो कुछ ऐसा हमें जो लुक है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको अलग अलग जो कैबिन्स है वो देखने को मिल जाएंगे। प्रिंसिपल का ऑफिस भी जो है गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वो थी गाइस इस कॉलेज की एडमिन ब्लॉक, और वहाँ पे गाइस हमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में देखने को मिल जाता है। उसी के थोड़े इस साइड में गाइस हमें इस कॉलेज का जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है वो देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है गाइस डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये पूरी बिल्डिंग गाइस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। तो अंदर जाके देखते हैं गाइस कि ये जो डिपार्टमेंट है वो कैसा, और यहाँ पे कौन सी जो लैब्स है वो अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के कुछ जो लैब्स है गाइस वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे है गाइस इलेक्ट्रिकल मशीन्स लैब, जो कि अंदर से हमें कुछ ऐसे देखने को मिल रही है। जो लैब है गाइस वो काफ़ी बड़ी है, और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी रखे हुए देखने को मिल रहे हैं। लैब के अगर थोड़ा अगर आगे हम जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें और भी बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो रखे हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स भी गाइस यहाँ पे रखे हुए, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे रिसर्च लैब, तो रिसर्च लैब भी गाइस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो रखे हुए हैं। तो गाइस जो डिपार्टमेंट है वो तो काफ़ी बड़ा है, बट सारी जो लैब्स है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक एक लैब अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो जो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये थी गाइस कुछ लैब्स। तो ये था गाइस इस कॉलेज का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इसके आगे ही हमें यहाँ पे एक हाई वोल्टेज लैब देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी कम कॉलेज में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी बढ़िया, और ऐसा आपको काफ़ी कम कॉलेजेस में देखने को मिलता है। तो चलिए जाते हैं, इसके अंदर जाने में मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले डेंजर का साइन लिखा हुआ है।
ये जो लैब है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बढ़िया जो एक्सपेरिमेंट्स है वो होते होंगे, जो हमें बॉल्स देखने को मिल रहे हैं उसके बीच में हमें वो इलेक्ट्रिक ऐसे सिग्नल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये लैब तो मुझे बहुत बढ़िया लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो रियलिस्टिक जैसे प्रैक्टिकल्स वगैरह वो होते होंगे और यहाँ पर स्टूडेंट्स को तो काफ़ी मज़ा आता होगा। नो फ्रेंड इज़ एज़ लॉयल एज़ अ बुक, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसी लैब के आगे हमें इस कॉलेज की जो मेन लाइब्रेरी है वो देखने को मिल जाती है, और मैंने ऐसा सुना है कि इस कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अच्छा इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंदर से है। तो देखते गए इस लाइब्रेरी कैसी है, ये गए इस लाइब्रेरी का एंट्रेंस, और देखते गए इस अंदर से ये जो लाइब्रेरी है वो हमें कैसे देखने को मिलती है। लाइब्रेरी में एंटर करते गए हमें यहाँ पर जो न्यूज़ सेक्शन है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गए आपको अलग अलग टाइप्स के जो न्यूज़पेपर है वो देखने को मिल जाएंगे। मेन एंट्रेंस लाइब्रेरी का गए इस साइड में, और यहाँ पर हमें मेडिकल रूम भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए गए जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी में एंटर करते ही कुछ ऐसा जो लुक है वो हमें देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाइस। अंदर आके ठंडा ठंडा भी है, मतलब गर्मी का भी टेंशन नहीं होगा। यहाँ पे हमें रिटर्न काउंटर वाला जो सेक्शन है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर आई थिंक सो यहाँ पे जो सीटिंग एरिया है वो होगा, तो हमें स्टेयर से ऊपर जाना पड़ेगा। तो जाते गए ऊपर और देखते ऊपर से जो लुक है लाइब्रेरी का वो कैसा आता है और क्या क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो जो सारी बुक्स है वो रखी हुई है, और इस साइड में हमें जो सिटिंग एरिया है गाइस स्टूडेंट्स के लिए वो देखने को मिलेगा। यहाँ का जो सिटिंग एरिया है गाइस वो थोड़ा अलग है, यहाँ पे अलग अलग बेंचेस है और यहाँ पे चेयर्स रखी है, मतलब एक स्टूडेंट्स के लिए एक बेंच ऐसा यहाँ पे कंपार्टमेंट टाइप जो सिटिंग एरिया है वो बनाया हुआ है। और फिर इस साइड में गाइस हमें यहाँ पे जो बुक्स का सेक्शन है जो रैक्स वगैरह वो देखने को मिल जाती है। काफ़ी सारे जो बुक्स है गाइस वो यहाँ पे अवेलेबल है, उस साइड में भी बुक्स है और नीचे में भी हमें जो बुक्स है गाइस वो देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे एक और सेक्शन है, तो उस सेक्शन में भी हम जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या अवेलेबल है। और ये जो सीटिंग एरिया है वो तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, और लुक देखेंगे ऊपर से लाइब्रेरी का तो कुछ ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जाते गए इस नीचे और वहाँ पे एक जो सेक्शन है वो देखते हैं कि वो किस लिए सेक्शन है और वहाँ पे और कौन सी जो बुक्स है गाइज़ वो रखी हुई है। तो नीचे साइड में भी गाइज हमें यहाँ पे स्टैक सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी अलग अलग रोज में अलग अलग जो बुक्स है वो रखी हुई है और काफ़ी सारी बुक्स है यहाँ पे अवेलेबल है। ये है गाइस फिर यहाँ पे रेफरेंस सेक्शन, तो यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए काफ़ी सारे जो बुक्स है वो देखने को मिल जाएगी। हर एक कबर्ड पे अलग अलग टैगलाइन लिखी है, जैसे वहाँ पे रेयर बुक लिखा है, और भी यहाँ पे बहुत सारी जो बुक्स है वो अवेलेबल है। मतलब ओवरऑल जो लाइब्रेरी है गाइस वो काफ़ी बढ़िया है इस कॉलेज की। लाइब्रेरी के जस्ट कुछ ही आगे गाइज हमें इस कॉलेज का जो सिविल डिपार्टमेंट है वो देखने को मिल जाता है, और इस कॉलेज का जो सिविल डिपार्टमेंट है गाइज वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइज जाते हैं हम इस कॉलेज के सिविल डिपार्टमेंट के अंदर और देखते हैं अंदर से ये जो डिपार्टमेंट है वो हमें कैसा देखने को मिल जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं गाइज, तो इस वाली वॉल पर हमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट ने बनाई है वो देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे लग रही है। और इसके अलावा गाइज जो अदर साइड की वॉल्स है यहाँ पे फ्लेक्स में काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है गाइज वो भी लिखी हुई है। तो चलिए गाइज अब जाते हैं इस डिपार्टमेंट के कुछ लैब्स में, ताकि आपको इस डिपार्टमेंट के कुछ जो लैब्स है वो भी देखने को मिल जाए। तो ये है गाइज यहाँ की फ्लूइड मैकेनिक्स लैब, जो कि लैब गाइज कुछ ऐसे हमें देखने को मिल रही है। लैब में काफ़ी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है गाइज वो भी रखे हैं, और इस साइड में इस लैब में सबसे बड़ी जो मशीन है गाइज वो रखी हुई है। अब इस मशीन से क्या होता है वो तो नहीं मुझे पता, बट जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे उनको ज़रूर पता होगा कि इस मशीन से क्या होता है। और इस मशीन के ऊपर से ही हमें इस लैब का जो पूरा ओवरव्यू है वो भी देखने को मिल जाता है। जो लैब है गाइज वो काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी रखे हुए हैं। तो चलिए गाइज अब हम जाते हैं इस कॉलेज के स्ट्रक्चर एनालिसिस लैब में, देख यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सीटिंग एरिया वगैरह अवेलेबल है, यहाँ पे कुछ और सीटिंग एरिया, और यहाँ पे कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है गाइस वो रखे हुए हैं। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पे एक टीटी टेबल जैसा कुछ तो भी रखा है। और फिर इस वाले साइड पर एक मशीन रखी है, ये कुछ अलग ही मशीन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, और यहाँ पे पता नहीं कौन सी मशीन है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जो मशीन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे इसका जो चार्ट है वो लगाया है, डिफ्यूज लाइट पोलराइज ऐसा समथिंग ये है। फिर नेक्स्ट लैब है गाइज यहाँ पे सॉम की लैब, जो कि कुछ हमें ऐसे देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रखे हुए हैं। जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे उनको ज़रूर पता होगा कि ये जो सारी जो लैब्स है वो किस काम में आती है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। सिविल डिपार्टमेंट में गाइज हमें यहाँ पे एक कंप्यूटर सेंटर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हो गाइज ये कंप्यूटर सेंटर काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे काफ़ी सारे जो कंप्यूटर्स है गाइज वो भी रखे हुए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और ये है गाइज सिविल डिपार्टमेंट के टेरेस से व्यू,
आप देख सकते हो गाइज इस कॉलेज का व्यू काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे गाइज जो ग्रीनरी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से हमें गाइज एक छोटा सा जो पॉन्ड है इस कॉलेज का वो भी देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। जब आप विजिट करोगे तो आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा कॉलेज में घूमने का। ये था गाइज इस कॉलेज का सिविल डिपार्टमेंट और ये है गाइज इस कॉलेज का एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट को देखने के लिए मैं तो काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट की जो लैब्स होती है गाइज वो काफ़ी अलग होती है और यहाँ पर हमें काफ़ी अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर फ्लेक्स में काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है और यहाँ पे आगे लिखा है गाइस वर्कशॉप, तो यहाँ पे वर्कशॉप भी हमें देखने को मिल जाता है। तो वर्कशॉप में एंटर करते हुए देखते हैं कैसा है वर्कशॉप। तो ये है गाइस इस कॉलेज का वर्कशॉप जो कि कुछ ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है गाइस वो रखे हैं और ये है गाइस एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट के कुछ लैब्स जिसमें काफ़ी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है गाइस यूनिक से जो इंस्ट्रूमेंट है वो रखे हुए हैं। ये प्लेन के हमें कुछ जो पार्ट्स है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और इसके अलावा ये और एक लैब थी जहाँ पे एग्जैक्ट जैसा प्लेन जैसा प्रोपेलर या फिर ये ऐसा फाइटर प्लेन जैसे सारी जो चीज़ें गाइस यहाँ पे रखी हुई थी। फिर नेक्स्ट गाइस इस एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट के आगे ही हमें इस कॉलेज का जो कैंटीन है वो देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइस जाते हैं कैंटीन के अंदर और देखते हैं कि जो कैंटीन है वो कैसी है। मुझे नहीं लगता गाइस कि यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि कोरोना की वजह से सारी जो चीज़ें वो बंद है और स्पेशली कैंटीन बंद रहेगी क्योंकि स्टूडेंट्स का ही मेनली यहाँ पे आना जाना रहता है। तो जो कैंटीन है गाइस जैसा कि आप देख सकते हो जो कैंटीन है वो फ़िलहाल तो बंद है। तो चलिए गाइज़ यहाँ से हम जाते हैं एक मंदिर देखने के लिए इस कॉलेज का और ये जाने का जो रास्ता है गाइज़ वो तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे आसपास हमें काफ़ी सारे ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा जो पुल है गाइज़ वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है और जो रास्ता है गाइज़ वो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिल जाता है। और इसी के बीच में गाइज़ हमें इस कॉलेज का एक छोटा सा जो टेम्पल है वो देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है गाइज़। और इसके आसपास चारों ओर ट्रीज़ है और इसकी वजह से गाइज़ ये जो स्पॉट है वो बहुत ही बढ़िया बन जाता है। अब हम जा रहे हैं गाइस इस कॉलेज के आईटी कॉम्प्लेक्स की ओर, देखते हैं गाइस कि जो आईटी कॉम्प्लेक्स है इस कॉलेज का वो कैसा हमें देखने को मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स देख के तो मुझे एकदम जो व्हाइट हाउस वाली फील है वो आ रही है और ये जो कॉम्प्लेक्स है गाइस वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल वाला कॉम्प्लेक्स है और अंदर की जो क्लासेस है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है। तो चलिए गाइस जाते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर से ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है और यहाँ पे हमें कौन से जो डिपार्टमेंट्स है वो देखने को मिलते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमें कुल मिला के तीन डिपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। पहला है गाइस यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट, फिर वहाँ पे है गाइस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट। नीचे हमें क्लासरूम्स देखने को मिल जाएंगे, ऊपर भी जो है गाइस इस कॉम्प्लेक्स के क्लासरूम है और यहाँ पे हमें बहुत सारी जो लैब्स है वो देखने को मिल जाती है। आईटी कॉम्प्लेक्स को गाइज़ अगर हम ऊपर से देखते हैं तो कुछ ऐसा जो व्यू है वो हमें देखने को मिल जाता है और इस कॉम्प्लेक्स में भी गाइज़ काफ़ी सारे जो क्लासरूम्स है और काफ़ी सारे जो लैब्स है गाइज़ वो भी अवेलेबल है। मतलब सारी चीज़ें गाइज़ आपको इस कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगी। और गाइज़ इस आईटी कॉम्प्लेक्स के आगे ही हमें इस कॉलेज का और एक जो मंदिर है गाइज़ वो देखने को मिल जाता है और ये मंदिर गाइज़ बहुत ही ब्यूटीफुल है जैसा कि आप देख ही सकते हो। ये गाइज़ सरस्वती का टेंपल बहुत ही बढ़िया है गाइज़ और यहाँ पे आप आ सकते हो। मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा ये टेंपल जैसा कि आप देख ही सकते हो। मंदिर देखने के बाद गाइज़ हम आ गए इस कॉलेज का ऑडिटोरियम देखने के लिए। इस कॉलेज का जो ऑडिटोरियम है गाइज़ वो थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, बट जो ऑडिटोरियम है गाइज़ जब बनेगा तो स्टूडेंट्स को काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि ये जो ऑडिटोरियम है गाइज वो अंदर से काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे जो सिटिंग कैपेसिटी है गाइज वो भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब जब यहाँ पे फंक्शंस होंगे गाइज तो स्टूडेंट्स को तो काफ़ी मज़े आने फिर गाइज इस कॉलेज का ये जो पार्ट है वो तो आपको काफ़ी यूनिक लगेगा क्योंकि ये जो बिल्डिंग है गाइज ये पूरी 360 बिल्डिंग है और बीच में काफ़ी बढ़िया लॉन है और अगर आप इस कॉलेज में आओगे तो यहाँ पे तो ज़रूर। और ये है गाइज इस कॉलेज का ग्राउंड। स्टार्टिंग में हम यहाँ पे जो बास्केटबॉल कोर्ट है वो देखने को मिल जाता है, वहाँ पे क्रिकेट के लिए काफ़ी सारे जो नेट्स है गाइज वो भी लगाए हुए हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारी स्पेस है। आई थिंक वहाँ पे हमें जो फुटबॉल के नेट्स वगैरह वो भी देखने को मिल रहे हैं, मतलब फुटबॉल भी काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पे खेल पाएंगे। और जो गाइज जो ग्राउंड का मेंटेनेंस है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा जो ग्राउंड है गाइज वो लग रहा है। और ये जो ग्राउंड है वो जो ऑडिटोरियम है गाइज इसके बस आगे में ही हमें जो ग्राउंड है वो देखने को मिल जाता है और स्टूडेंट्स को यहाँ पे खेलने में काफ़ी मज़ा आता होगा क्योंकि जो ग्राउंड है गाइज वो काफ़ी बढ़िया है और मुझे पर्सनली ये जो ग्राउंड है गाइज वो काफ़ी। तो ये था गाइज प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, काफ़ी बड़ा कॉलेज है गाइज और मैंने ट्राई किया कि आपको सारी जो चीज़ है वो इस कॉलेज की दिखा दूँ। होप सो गाइज आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो गाइज आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।